नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अपूर्व पांडे है। फाइनल कट प्रो एक्स ट्यूटोरियल के आज के लेक्चर में हम लोग ऑडियो एडिटिंग के बारे में सीखेंगे। आज के वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग अपने ऑडियो की वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं, हम लोग ऑडियो एनहांसमेंट्स कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। अगर मुझे अपनी वीडियो में से ऑडियो को अनलिंक करना है तो वो मैं किस तरीके से करूँगा। इसके अलावा अगर मुझे अपनी ऑडियो और वीडियो को सिंक करना है, सिंक्रोनाइज करना है, तो वो मैं किस तरीके से करूँगा, हम ये भी देखेंगे। इसके अलावा हम लोग साउंड इफ़ेक्ट्स को किस तरीके से ऐड करते हैं, या फिर बैकग्राउंड म्यूज़िक अगर मुझे अपनी वीडियो में ऐड करना है वो कैसे करेंगे, हम ये भी जानेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑडियो को किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पे मेरे पास एक फुटेज है, इसको मैं ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे वेव फॉर्म। अब अगर मुझे इसका वॉल्यूम को एडजस्ट करना है तो बहुत सिंपल है दोस्तों। यहाँ पर आप एक ये वाइट लाइन जो देख रहे हैं, अगर आप इसको ऊपर करेंगे आप देख सकते हैं मेरे वेव फॉर्म बढ़ रहे हैं, इसका मतलब मेरा ऑडियो इंक्रीज हो रहा है। अब अगर मुझे इसके ऑडियो को कम करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहां पर से कम कर दूंगा, तो इससे क्या होगा, मेरी वॉल्यूम कम हो जाएगी। या दूसरा तरीका है दोस्तों, आप यहां पर इंस्पेक्टर में जाके, यहां पर आपको ऑडियो इंस्पेक्टर दिखेगा, आप इस आइकन पे क्लिक कीजिए और यहां पर से भी आप वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरा वॉल्यूम कम हो चुका है और मैं इसको इस तरीके से इंक्रीज करूंगा तो ये क्या है, ये बढ़ रहा है। तो दोस्तों यहां पर आपको प्रीव्यू के नीचे एक और ऑप्शन दिख रहा होगा, यहां पे ये क्या है, ये मेरे ऑडियो मीटर्स हैं। इसको मैं प्ले करता हूं, आप चाहे तो इसको यहां पर से क्लिक करके इस ऑडियो मीटर को शो भी कर सकते हैं। ऑडियो मीटर क्या करता है, ऑडियो मीटर बताता है कि कितने डेसिबल पे आपको ऑडियो है। जब भी आप ऑडियो एडिटिंग करेंगे तो आप इसको शो ही रखिए, ये काफ़ी आपकी मदद करता है। आपको ध्यान देना है कि जो आपको ऑडियो है, जो नॉर्मल जो डीबी है ऑडियो का, वो 0 dB होता है। अगर आपका ऑडियो -6 से लेके 0 के बीच में है तो एक आपका ऑडियो क्या है, नॉर्मल है। अगर 0 के ऊपर जाता है तो मतलब आपकी ऑडियो फट रही है, उसके नीचे मतलब आपकी ऑडियो काफ़ी कम है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपका ऑडियो -6 से लेके 0 के बीच में ही रहे या 0 तक भी चलेगा। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है ऑडियो एनहांसमेंट्स। फाइनल कट प्रो एक्स में दोस्तों आपको कई तरीके के एनहांसमेंट्स मिलते हैं। आपको क्या करना है, ऑडियो को सेलेक्ट करना है, आप चाहे तो इक्वलाइजेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इक्वलाइज करने के बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, आप वॉइस को एनहांस कर सकते हैं। अगर आपका कोई म्यूजिक है आप उसको एनहांस कर सकते हैं। यहाँ पर हम रिडक्शन का ऑप्शन मिलता है, लाउडनेस का ऑप्शन आपको मिलता है, बास को बूस्ट करने का ऑप्शन आपको मिलता है, और भी कई तरीके के ऑप्शन आपको मिलते हैं। फिर यहाँ पर आप एक आइकन देख रहे हैं, ये क्या है, ये एडवांस इक्वलाइजर है। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पर एडवांस ऑडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन आपको मिलता है लाउडनेस का, अगर आपको अपनी ऑडियो में लाउडनेस क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पर से इसको इनेबल कर दीजिए। फिर आपको मिलता है ऑप्शन नॉइज रिमूवल का, अगर आपके बैकग्राउंड में कोई शोर आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको इनेबल करके अगर वो शोर हटाना है आपको, आप यहाँ पर से नॉइज रिमूवल को सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं आपको कितने अमाउंट में नॉइज को रिमूव करना है। इसके साथ ही आपको हम रिमूवल का भी फीचर ऑडियो इंस्पेक्टर के अंदर मिल जाता है। दोस्तों इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, स्टीरियो का और जो दूसरा ऑप्शन है वो है ड्यूअल मोनो का। दोस्तों स्टीरियो में क्या होता है, स्टीरियो मतलब आपके दोनों कानों में जो इफेक्ट होगा वो अलग अलग होगा। आप हेडफोन्स लगाइए, अगर आपके दोनों कानों में आवाज़ आ रही है, हो सकता है कि एक ऊपर हो, एक हो सकता है नीचे हो, हो सकता है एक में म्यूज़िक हो और एक में लिरिक्स हो, इस तरह का अगर मिक्सिंग है तो आप समझ लीजिए ये स्टीरियो है, अगर आपके दोनों कानों में आवाज़ आ रही है। कितनी बार होता है दोस्तों, हम लोग इंटरव्यू के टाइम पे, अगर हमारे पास दो चैनल है
तो हम लोग क्या करते हैं, एक चैनल में अगर सपोज मुझे एक ही जने का इंटरव्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक जने का लेपल चैनल वन में लगा के रख दूंगा और दूसरे चैनल को मैं एज इट इज छोड़ दूंगा। अब अगर मैं चैनल वन को एडिटिंग टेबल में आके सुनूंगा तो क्या होगा, सिर्फ मेरे एक ही कान में आवाज आएगी। तो उस केस में अगर मुझे अपनी उस मोनो, जो मेरी मोनो आवाज है, उसको स्टीरियो करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं ड्यूअल मोनो में जाऊंगा, जिस भी चैनल में मैंने ऑडियो को रिकॉर्ड किया है उसको मैं इनेबल ही रहने दूंगा, और दूसरी ऑडियो को क्या मैं क्या करूंगा, डिसेबल कर दूंगा। इससे क्या होगा, इससे मेरी ऑडियो स्टीरियो बन जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो जब भी आप सेपरेट चैनल्स में यूज करते हैं, तो आप सेपरेट चैनल यूज करते हैं ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो आप ड्यूअल मोनो ही यूज करिए। और अगर आपका स्टीरियो मोड में ऑडियो है तो उसको एज इट इज रहने दीजिए। अब बात करते हैं, अगर मुझे अपनी जो ये जो मेरी वीडियो है इससे ऑडियो को अनलिंक करना है, तो वो मैं किस तरीके से करूँगा। दोस्तों वीडियो में से अगर ऑडियो को अनलिंक करना है, उसको डिटैच करना है, तो सिंपली आप क्या कीजिए, अपनी वीडियो में जाके राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर से आपको क्या करना है, डिटैच ऑडियो पे क्लिक कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा जूम इन करते हैं, कि आपकी ऑडियो आपकी वीडियो से डिटैच हो चुकी है। इसको प्ले करते हैं। अब अगर मैं चाहूँ तो इस ऑडियो को हिला के यहाँ पर ला सकता हूँ। अब क्या है कि अब यहाँ पर आपकी ऑडियो म्यूट हो चुकी है। तो इस तरीके से दोस्तों आप ऑडियो को अनलिंक कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर मुझे अपने ऑडियो को वीडियो के साथ सिंक्रोनाइज करना है, तो वो मैं किस तरीके से करूंगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको ऑडियो को वीडियो के साथ सिंक्रोनाइज करना है, तो ये है कि आपके वीडियो में भी पहले से ऑडियो होनी चाहिए, तभी आप ऑडियो को सिंक कर पाएंगे। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसको डिलीट करते हैं पहले। यहां पर मेरे पास एक मैंने शूट किया हुआ है, ये मैंने अपने DSLR कैमरे से शूट किया है, जिसमें ऑलरेडी मेरे पास ऑडियो है। मैंने क्या किया है, DSLR के ही जो मेरा DSLR है उसी में उस ऑडियो को रिकॉर्ड कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास एक ऑडियो है, इस ऑडियो को मैंने अपने एक्सटर्नल साउंड रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस ऑडियो को अपनी ये जो मेरी वीडियो है इसके साथ सिंक करना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ वीडियो को, फिर मैं कमांड प्रेस करके ऑडियो को सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं राइट क्लिक करके यहां पर मैं सिंक्रोनाइज क्लिप्स को क्लिक जैसे ही करूंगा, आप देखेंगे एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हुआ है, इसको मैं नाम दे देता हूं Track 1 और इसको मैं कर देता हूं ओके। यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, यूज ऑडियो फॉर सिंक्रोनाइजेशन का, इसको इनेबल ही रहने दीजिए, और डिसेबल ऑडियो कंपोनेंट्स ऑन AV क्लिप। ये क्या है, जो आपकी ऑडियो वीडियो क्लिप है उससे क्या होगा, आपकी ऑडियो को ये डिसेबल कर देगा। जैसे ही मैं इसको ओके करता हूं, आप यहां पे देख सकते हैं मेरी क्लिप सिंक्रोनाइज हो चुकी है, ये कंपाउंड क्लिप बन चुका है। ये कंपाउंड क्लिप का आइकन आप यहां पे देख रहे हैं, इसको मैं ड्रैग करके नीचे लाता हूं। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूं, इसकी थोड़ी सी वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, सिमा तेरा होली मेरी इमित लागू। तो आप देख सकते हैं मेरा ऑडियो सिंक हो चुका है, और फाइनल कट प्रो एक्स काफी परफेक्टली ऑडियो को वीडियो के साथ सिंक करता है। अब अगर आपको ये देखना है कि किस तरीके से सिंक हुआ है, तो देखिए यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, ये मेरा क्या है, ये मेरा वीडियो के साथ जो मेरा ऑडियो था वो है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा एक्सटर्नल साउंड रिकॉर्डर का ऑडियो है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, आप देख सकते हैं फाइनल कट प्रो एक्स ने ऊपर जो वेव फॉर्म है और जो मेरे साउंड रिकॉर्डर के वेव फॉर्म है उनके साथ इसको मैच किया, और ये काफ़ी परफेक्ट है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा जूम और करते हैं, यहाँ पर से मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ जिससे और अच्छे से दिख जाए। आप देख रहे हैं किस तरीके से वेव फॉर्म की हेल्प से फाइनल कट प्रो एक्स ने मेरे ऑडियो को वीडियो के साथ सिंक कर दिया है। इसको जूम इन करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अपने ऑडियो को वीडियो के साथ सिंक करना है और ऑटोमेटिकली सिंक करना है, तो आप इस तरीके से सिंक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैन्युअली सिंक करना है, तो वो आप किस तरीके से करेंगे, इसको डिलीट करते हैं। आप क्या करिए, सबसे पहले अपने वीडियो को ड्रैग करके नीचे ले आइए, फिर आप क्या करेंगे, अपने ऑडियो को जो आपका ऑडियो है उसको नीचे ले आइए,
अब अगर कुछ इस तरीके का आपका होगा और तो आप देखेंगे अगर सिंक नहीं है तो किस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, इसको प्ले करके देखते हैं। आप देख रहे हैं दोनों का ऑडियो और वीडियो क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है। तो इसको मैच करने के लिए आपको फिर वेव फॉर्म का सहारा लेना पड़ेगा। आपको वेव फॉर्म क्या करना है, अपने वीडियो के वेव फॉर्म के साथ मैच करना है। ये देखिए मैंने इसको मैच करा। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूं, वो कपास। आप देख सकते हैं मेरा ऑडियो सिंक हो चुका है। तो आप दो तरीके से ऑडियो और वीडियो को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, या तो आप ऑटोमेटिकली अपने ऑडियो वीडियो को सिंक्रोनाइज कर दीजिए, या फिर आप मैन्युअली भी ऑडियो और वीडियो को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। तो वापस से इसको अंडू करते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूं अभी फिलहाल। यहां पर से जो मैंने कंपाउंड क्लिप बनाया था उसको मैं नीचे ले आता हूं। अब अगर मुझे अपने मेरा ये जो वीडियो है, अब मैंने ऑडियो भी इसमें सिंक कर दिया है, अब मैं इसमें कोई म्यूजिक चाहता हूं, तो वो मैं किस तरीके से करूंगा। तो उसके लिए दोस्तों आप म्यूजिक को इंपोर्ट करिए। मैंने पहले से ही म्यूजिक को इंपोर्ट किया हुआ है। अब क्या करना है, आपको इसको ड्रैग करके नीचे ले आना है। मैंने बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को कि ऑडियो आपकी हमेशा वीडियो के नीचे ही आएगी। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ यहाँ पर से, अब क्या हो रहा है, मेरे जो म्यूजिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, इसने क्या किया है, मेरे ये जो वीडियो की आवाज़ है इसको दबा दिया है बिल्कुल। अब मुझे ये सही करना है, तो वो मैं किस तरीके से करूँगा, मैं यहाँ पर से इस वॉल्यूम एडजस्टमेंट करूँगा और इसको नीचे ले आऊँगा। इसको प्ले करते हैं। अभी भी क्या हो रहा है, मेरा जो मेरा म्यूजिक है वो तेज हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा इसकी ऑडियो को बढ़ा देता हूं और इसको थोड़ा सा और कम करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरा जो वीडियो का वॉल्यूम है वो काफ़ी अच्छा सुनाई दे रहा है और हल्का सा उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक भी है। तो ये मैंने काफ़ी रफ किया था दोस्तों। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। इसको यहां पर से मैं एक फुटेज ये लेता हूं, यहां पर से इस फुटेज को मैं यहां पर लेता हूं, और एक मैं ये वाली फुटेज लेता हूँ। इसके वॉल्यूम को पूरा म्यूट कर देते हैं। और यहाँ पर से अब मुझे इन दोनों जो मेरी फाइल है इसके नीचे क्या करना है, साउंड इफेक्ट्स को ऐड करना है। तो साउंड इफेक्ट्स मैं कैसे ऐड करूँगा, यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख रहे हैं, आप यहाँ पर इसको क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको साउंड इफेक्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट साउंड इफेक्ट्स आपको मिलेंगे जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप उनको परचेज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी साउंड इफेक्ट्स को खरीदा हुआ है। अब मुझे ये वाला साउंड इफेक्ट अपने इस ऑडियो में लगाने, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको नीचे ले आऊँगा, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। अब इसको मैं प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं साउंड इफेक्ट आ चुका है। दोस्तों ऐसी आप कितनी सारी भी लेयर्स नीचे ऑडियो की बना सकते हैं, जिस तरीके की भी आपको मिक्सिंग चाहिए। अगर मुझे यहाँ पर म्यूज़िक चाहिए तो मैं म्यूज़िक को डाल सकता हूँ यहाँ पर। इसके अलावा अगर मुझे इस म्यूज़िक के अंदर बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट्स चाहिए तो मैं डिफरेंट तरीके के साउंड इफ़ेक्ट्स इसमें बीच बीच में डाल सकता हूँ। तो जिस तरीके की भी आपको मिक्सिंग करनी है आप वो कर सकते हैं। इसके साथ मुझे यहाँ पर टिकर डालना है, तो मैं इसके नीचे यहाँ पर मैं टिकर को डाल दूंगा, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो मैं इसके नीचे ऐसे भी इस तरीके से ऐड कर सकता हूँ, इसके नीचे मैं और ऐड कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं मेरे नीचे क्या हो रहा है, ऑडियो लेयर्स बढ़ती जा रही है। फिर मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ, तो एक मैं एक रफ सा इफेक्ट क्रिएट किया हुआ है मैंने। तो देखेंगे अगर हम लोग ये इफेक्ट इस तरीके से चलेगा, इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ, तो देखते हैं।
तो आप देख सकते हैं मेरा म्यूजिक भी चल रहा है और नीचे मेरे साउंड इफेक्ट्स भी आ रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप साउंड इफेक्ट्स डाल सकते हैं। आप अगर बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक डालना चाहते हैं तो वो अपनी फुटेज के नीचे से डाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि किस तरीके से हम लोग वॉल्यूम को एडजस्ट करते हैं। हमने ऑडियो एनहांसमेंट्स के बारे में सीखा, ऑडियो को वीडियो के साथ अनलिंक करना सीखा, ऑडियो को वीडियो के साथ सिंक्रोनाइज कैसे करते हैं उस बारे में हमने चर्चा की, अगर हमें साउंड इफेक्ट्स को ऐड करना है तो वो हम लोग किस तरीके से करेंगे, और साथ में ही बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है हमने उस बारे में सीखा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।